हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आरडी मैच चार्जर। दोस्तों, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो डिजीज का जो सेकेंड पार्ट है, और उसमें हमने एक डिजीज उठाई थी एडस, और इससे रिलेटिव हमने एक पार्ट ऑलमोस्ट पहले देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसके फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो आज जो पार्ट देखने वाले हैं वो इसका सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट में बहुत से एग्जाम्स में आए हुए मैं आपको क्वेश्चनों को डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक नंबर के क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। जैसा कि आप इनके चार ऑप्शनों को नोट कर पा रहे होंगे, उन चारों ऑप्शनों में से बताना था कि कौन सी एक विषाणु या वायरस जनित बीमारी होती है। तो थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको इसे पढ़ाया था कि जो वायरस जनित बीमारी होती है वो कौन सी होती है, एड्स होती है। और जैसे कि इसके ऑप्शन वाइज भी हम देखते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है टिटनस, सेकेंड जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन में लिखा है शेरो, सी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में लिखा है टाइफाइड, डी जो ऑप्शन है डी ऑप्शन में लिखा हुआ है एड्स। अब इन चार ऑप्शनों में से बताना था कि कौन सी एक वायरस जनित बीमारी होती है, और ये लास्ट ईयर रेलवे की एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां से हम उत्तर बता पाते एड्स, कि जो एड्स रोग होता है ये वायरस जनित बीमारी होती है। कौन सी जनित होती है, वायरस, और इसके लिए जो वायरस जो विषाणु काम करता है वो होता है एचआईवी वायरस। तो यहां से सही उत्तर होता अपना कौन सा, डी होता। जबकि ए बी और सी में जो लिखा हुआ है टिटनस, शेरो, शेरो को कहा जाता है टीबी, और एक है टाइफाइड, ये तीनों है जीवाणु जनित, क्या है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो यहां से सही उत्तर आप देख पाते। चलो नेक्स्ट दो नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि एड्स का जो वायरस है, ये एड्स का वायरस शरीर में किसको नष्ट करता है। तो ये एड्स का जो वायरस, एड्स का वायरस कौन सा, एचआईवी वायरस, और ये किसको नष्ट करने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट करने का काम करता है। और इम्यून सिस्टम को बनाने का काम कौन सी कोशिका करती है, डब्ल्यूबीसी। एचआईवी वायरस अटैक करता है किस पे, डब्ल्यूबीसी पे, जिससे डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, मर जाती है, और एचआईवी वायरस इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम को कहा जाता है प्रतिरोधक तंत्र, प्रतिरोधी तंत्र कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको रोगों से लड़ने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है। तो यहां से हमारे को ए ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र, तो यहां से सही उत्तर बता पाते हम कौन सा, ए वाला बता पाते। चलो नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि खालिस्तान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। इन चार ऑप्शनों में से जो बीमारियां दी हुई हैं, उन बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी का नाम बताना था जो यौन संपर्क से होती है। तो यौन संपर्क से, जैसा कि इसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, एड्स। जो एड्स रोग होता है वो एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी होती है। तो यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो बिल्कुल इजिली क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, तो सही उत्तर बता पाते तीसरे का, सी बता पाते। चलो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है, यहां से हमारे को बताना था कि एलर्जी जांच के लिए कौन सी प्रतिरक्षी शामिल नहीं की जाती है। ए ऑप्शन में लिखा है आर ए एस टी, दूसरे में लिखा हुआ है एलिसा, सी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में लिखा है आई जी ई, और डी ऑप्शन में लिखा है ए आई सी, हीमोग्लोबिन ए आई सी। यदि आपने एड्स का यदि फर्स्ट वाला पार्ट देखा है तो आप देखते ही उसका उत्तर बता सकते थे, कैसे, कि जो एलिसा होता है, एलिसा एड्स रोग के उपचार के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है, ये एलर्जी के लिए नहीं होता है। तो सही उत्तर बता पाते बी, कि ये कैसे, किसके लिए होता है, एचआईवी वायरस की पहचान के लिए करने वाला टेस्ट होता है एलिसा, जबकि इसका हम कभी भी एलर्जी में उपयोग नहीं करते। एलर्जी में रस्ट का प्रयोग करते हैं, आईजी का प्रयोग करते हैं, एआईसी का भी उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर बता पाते इसका कौन सा, बी वाला बता पाते। चलो नेक्स्ट पांचवें नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब पांचवें नंबर के क्वेश्चंस में बताना था क्या कि एलिसा टेस्ट खालिस्तान के कारण होने वाली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान में किया जाता है। तो थ्योरी सेक्शन में हमने ऐसे जाना था कि जो एलिसा जो टेस्ट होता है, ये एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एचआईवी के लिए किया जाता है।
एचआईवी वायरस की पहचान के लिए किया जाता है। और एचआईवी वायरस किस डिजीज का वायरस होता है? एड्स का वायरस होता है। तो यहां से हम सही उत्तर बता पाते कौन सा? सी वाला बताते कि एलिसा जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एचआईवी वायरस की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको इसे कहा था कि जो एड्स होता है, इस एड्स में दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो होता है एलिसा टेस्ट और जो दूसरे वाला होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। ये दो टेस्ट किए जाते हैं एचआईवी की पहचान के लिए। और जो एलिसा होता है, इस एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसआई होता है। मैंने आपको अच्छे से थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया है इसी चीज को। तो यहां से सही उत्तर होता अपना क्या? सी होता। चलो नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे 6 नंबर के क्वेश्चन को, थोड़ा पेशेंस से करिएगा 6 नंबर के क्वेश्चन को। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि एलिसा निम्न में से क्या है। अब एलिसा के बारे में बताना था कि 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि एलिसा जो होता है वो क्या होता है। तो हमने क्या जाना था कि जो एलिसा होता है वो एलिसा एड्स रोग में किए जाने वाला परीक्षण होता है, जिसमें एचआईवी वायरस की पहचान की जाती है, या एचआईवी वायरस की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं एलिसा टेस्ट। अब जैसे कि इसके ऑप्शनों को पढ़ते, ए ऑप्शन में दे रखा है जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था। नहीं, ये तो गलत है, इससे रिलेटिव कहीं मामला हमने पढ़ा ही नहीं। बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन में चलते हैं, तो बी ऑप्शन में दे रखा है एड्स का पता लगाने के लिए जांच। तो मैंने आपको ऐसे कहा था कि एड्स में जो जांच की जाती है वो कौन सी होती है? एलिसा। और दूसरी वाली कौन सी होती है? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं वाला बताना था हमारे को। तो जैसा कि इसके ए ऑप्शन में लिखा है डेंगू, बी जो ऑप्शन है बी ऑप्शन में लिखा है एड्स, सी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में लिखा है रिंडरपेस्ट, और डी ऑप्शन में लिखा है इन्फ्लुएंजा। अब यहां से हमारे को चुनना था कि मनुष्य में कौन सा वायरस जनित डिजीज नहीं होती है। तो अब देखो, डेंगू मनुष्य में होने वाली बीमारी है, एड्स भी मनुष्य में होने वाली डिजीज है, इन्फ्लुएंजा ये भी मनुष्य में होती है, लेकिन जो रिंडरपेस्ट है ये रिंडरपेस्ट जानवरों में होने वाली बीमारी होती है। कहां होती है? जानवरों में। और एक ये वायरस जनित बीमारी होती है। अब क्वेश्चंस में हमारे को पूछ रखा था कि मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, तो मनुष्य का कौन सा नहीं है? सी वाला नहीं है, क्योंकि सी वाला कौन किस में होता है? जानवरों में होता है। और जो रिंडरपेस्ट होता है, ये रिंडरपेस्ट रोग भी वायरस जनित ही होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, यानी कि एचआईवी का संक्रमण का कारण कौन सा नहीं है, वो वाला चुनना था। तो जैसा कि इसका जो ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में दे रखा है मच्छर काटना, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन में दे रखा है स्तनपान, सी दे रखा है संक्रमित सुई, और डी दे रखा है यौन संबंध। तो यौन संबंध से तो एड्स का प्रसार होता है, तो ये तो इसका गलत होता, नहीं वाला बताना है हमारे को। संक्रमित सुई का प्रयोग, संक्रमित सुई से भी एड्स होता है। बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन में दे रखा है स्तनपान कराने से भी एड्स का प्रसार होता है। लेकिन ए ऑप्शन में दे रखा है क्या? मच्छर के काटने पर। कभी भी जो एड्स होता है वो एड्स एक मच्छर के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को, यदि दूसरा व्यक्ति वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसका कभी भी प्रसार नहीं होता है। तो नहीं वाला बताना था, तो नहीं वाला उत्तर क्या है इसका? ए वाला सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट, 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो एड्स जो दिवस होता है, ये एड्स दिवस बनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एनटीपीसी के पेपर्स में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चंस में बताना है हमारे को क्या पश्चिम ब्लास्ट के स्थान की नैदानिक परीक्षण होता है। तो जो पश्चिम मतलब वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट।
हमें बताना था कि ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो जो एड्स होता है, इस एड्स रोग में आपको दो टेस्ट किए जाते हैं, एक तो होता है एलिसा टेस्ट होता है और दूसरे वाला होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। तो यहां से हमें बताना था कि वेस्टर्न ब्लास्ट जो टेस्ट होता है ये कहां किया जाता है या किसके उपचार के लिए किया जाता है? एचआईवी वायरस की पहचान के लिए किया जाने वाला टेस्ट होता है। चलो नेक्स्ट 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है कि एचआईवी जो होता है, इस एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? तो एचआईवी वायरस और एड्स, इसका संक्षिप्त रूप मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से बताया था। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जबकि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो एड्स होता है ये रोगों का एक क्या होता है, समय होता है, और इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो किसका पूरा नाम होता है? ये पूरा नाम होता है एड्स का। जबकि एचआईवी का पूरा नाम पूछा हुआ है हमारे को तो क्वेश्चंस में, तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ऐसा कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इसके बी ऑप्शन में ऐसा सही लिखा हुआ है कि एचआईवी जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो सही उत्तर होता है इसका बी होता। इसी प्रकार उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा से मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।